आज है 2 अप्रैल 2024 का दिन। मैं और पूनम गोवा जा रहे हैं और अमृतसर एयरपोर्ट पे हैं अभी। तो ये वाला ब्लॉग चलता रहेगा, धीरे धीरे आपको मैं दिखाऊंगा कैसी हमारी जर्नी जा रही है। एंड अभी अमृतसर से मुंबई की फ़्लाइट है, मुंबई टू गोवा की फ़्लाइट है। तो अभी 8:30 बजे की जो हमारी है बोर्डिंग है, अभी टाइम हो रहा है 8 बजे के करीब, आधा घंटा पड़ा है। तो उसके बाद बोर्डिंग हो जाएगी और हम लोग मुंबई के लिए निकल पड़ेंगे। और मुंबई से गोवा की जो फ़्लाइट है वो 2-3 घंटे वहाँ पे स्टे है, आफ्टर दैट है वहाँ से। तो चलो जर्नी हो गई है स्टार्ट और धीरे धीरे आपको ब्लॉग दिखाऊंगा मैं पूरा का पूरा। ये मेरी मालकिन जो है ये हमें घुमाने ले जा रहे हैं। तो क्या क्या प्लानिंग है गोवा की? बहुत सारी प्लानिंग्स हैं और 2-3 दिन हम लोग घूमेंगे वहाँ पे, बट देखते हैं कैसे इतनी क्या बड़ी A4 शीट पे मैंने लिखा हुआ है कहाँ जाना है। वो A4 शीट वो बैग में चली गई थी ना, तो बैग तो हमने जमा करवा दिए थे और वो अब गोवा में ही मिलेंगे हमें। और वहाँ से ही वो लिस्ट स्टार्ट होगी, वहाँ पे जाके दिखाऊंगा कि क्या क्या प्लानिंग की है हम लोगों ने। एंड पूनम एंड मी लुकिंग वेरी नाइस एंड बहुत बढ़िया। ये देखो एयरपोर्ट के अंदर कबूतर घुसा पड़ा है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया यार, बट जो भी है ठीक है। एक और आ गया जी भाई साहब, देखो एक्चुअल में ना ये कैंचियाँ सी बनी होती है ना, ये वाली इन पे कबूतर बैठते हैं, तो वहीं से आ गया होगा। बोर्डिंग होगी, अब हम प्लेन में बैठने जा रहे हैं एंड अंदर बैठ के 29A पूनम को सीट मिली है, 29B मेरे को मिली है, यानी दोनों में से कोई भी बैठ सकते हैं वो। तो बट वहाँ पे जाके देखेंगे अभी क्या होता है। ये रास्ता जहाज लेके उड़ेगा तो उड़ेंगे ही, इंडिगो एयरलाइन है, इनके रिव्यूज अच्छे नहीं है, बट देखो क्या होता है। हम लोग तो बैठेंगे तो देखिए। आ गए हम लोग प्लेन में और बोर्डिंग पास ये रहे, हम अभी सीट ढूंढ रहे हैं अपनी, 29A एंड B है। तो दोनों साइड ही विंडो सीट तो है एक, मतलब देखते हैं विंडो सीट है या कौन सी है। 29 भाई साहब विंडो सीट मिल चुकी है, हमें ये लग रहा था ये विंडो सीट नहीं मिलेगी, विंडो सीट मिल गई है भाई साहब। यार मेन मुद्दा था ना विंडो सीट मिल जाए, तो ये तो बड़ी खुश हो रही है अब, इसको भी विंडो साइड कह रही मैं बैठूंगी, मैंने बैठ एंजॉय कर दूँ अपना मजे में। चलो बॉम्बे जाके मिलते हैं, अभी तो प्लेन स्टार्ट नहीं हुआ, 9:15 पे होना है, 15 मिनट तो रुकेगा अभी, 15 मिनट के बाद चल पड़ेंगे फिर। चलो वहीं पे जाके बॉम्बे में जाके आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। एक्सक्लूडिंग रो 1 एंड इमरजेंसी एग्जिट डोर्स, थैंक यू। सामने एयरपोर्ट का एयर इंडिया का जहाज खड़ा हुआ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है फ्लाइट का, वो अभी स्टार्ट हो रही है, कैसा लग रहा है तेरे को? मजा आ रहा है, मैं तो विंडो से बाहर देखती हूं। पेनक्रोटिया सीट जहाज चलते हैं, पर ऐसा लगता है पर नीचे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते चढ़ में मेरे को डर लग रहा है सीरियसली। इसको चलाना आता है पायलट को? तो पूछ गया हूं, और आवाजें आ रही हैं बाहर से, बहुत पेच वगैरह इसके कसे हुए हैं। वही लिए अंदर सारा में सारा ही लिए, बाहर का व्यू दिखाता हूं। चलो
कैसा लग रहा है? नाइस। कान बंद हो रहे हैं बार बार। पानी मंगवा लेंगे अभी, सीट बेल्ट का वो साइन ऑन है तो उसके बाद ही बुलाएंगे। नीचे देख के ना कहीं में डर भी लगता है, थोड़ी सी टर्बुलेंस भी हुई थी, ज्यादा ऊपर आ गई। मैं इसको पूछ रहा था पायलट को जहाज चलाना आता है, स्लो चला रहा है वो। चल कोई नहीं, बट अच्छा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम जो भी है, इसीलिए रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको। कान बंद हो रहे हैं बाहर, पानी पिया अभी, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं। देखो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, छोटी छोटी लग रही है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी।